गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू जीडीएम बीबीएस स्कूल क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स में बच्चों आज अपन करेंगे प्रश्नावली 12 का पार्ट टू करेंगे। पहले अपन ने किया था पार्ट फर्स्ट जिसमें था क्वेश्चन 1 से लेके 7 नंबर तक। आज करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में क्या है, जैसे दिया हुआ ज्ञात कीजिए, अपने को ज्ञात करना, जैसे पिछले भी अपन ने करा था समय की इकाइयों में, है ना, बदला था ना उसको इकाइयों को, घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में, इसी तरह से इसी में ही है कि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना। इसमें क्या करना है, अपने को किलोग्राम के ग्राम बनाने। जैसे 3 से 1/2 किलोग्राम के ग्राम कितने ग्राम होते हैं, तो पहले अपन लिखेंगे चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलो में कितने होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम प्लस 1/2 किलोग्राम, अलग अलग करा इनको, तो 3 को किससे गुणा करेंगे अपन ग्राम बनाने के लिए, कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 को 1000 से गुणा करेंगे, 3 × 1000 ग्राम प्लस 1/2 × 1000 ग्राम। अब 2 का भाग देंगे 1000 में, काटेंगे इसको, 2 × 5 = 10, 0 × 0 = 0, 500 आया। 2 का भाग दिया 1000 में तो 500 आ गया, तो 3 को 1000 से गुणा, 3000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, दोनों ग्राम ग्राम हो गए, इनको प्लस कर दो, 3500 ग्राम, कितना उत्तर आएगा, 3500 ग्राम, ये अपना उत्तर हो गया। यहाँ लिख दो 3500 ग्राम। अब अगला है दूसरा, 3 से 2/5 किलोग्राम के ग्राम बनाने हैं, तो चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम प्लस 2/5 किलोग्राम, इनको अलग अलग करा, फिर 3 × 1000 ग्राम प्लस 2/5 × 1000 ग्राम, यानी 2 का भाग दिया 1000 में तो कितना आया 200, तो 200 को 2 से गुणा करी 400 आ गया, 3000 ग्राम प्लस 400 ग्राम, तो कितना आ गया ये 3400 ग्राम, तो ये आ गया अपना 3400 ग्राम, इसका उत्तर आ गया। तो ऊपर क्या लिखेंगे 3400 ग्राम। अब नेक्स्ट है तीसरा, 4 से 3/4 किलोग्राम के ग्राम बनाने हैं, चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 4 किलोग्राम प्लस 3/4 किलोग्राम, अलग अलग कर लिया इनको, अब किलोग्राम के ग्राम बनाने के 1000 से गुणा करेंगे, 4 × 1000 प्लस 3/4 × 1000, तो 4 का भाग दिया 1000 में तो 250 आया, तो 4000 ग्राम प्लस 3 को 250 ग्राम से गुणा करें, तो 4000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, तो इनको जोड़ा 4750 ग्राम, तो यहाँ उत्तर लिख दो इसका 4750 ग्राम, यानी 4 से 3/4 किलोग्राम को ग्राम में बदला तो 4750 ग्राम हो, आए समझ में। इसी तरह से 4 नंबर है, ये चौथा है कि 2 से 1/5 किलोग्राम के ग्राम बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे, जैसे ऊपर करें, चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, फिर 2 किलोग्राम प्लस 1/5 किलोग्राम, 2 × 1000 1/5 × 1000, 5 का भाग देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस कर लेंगे और खा लेंगे, ये आप अपने आप करोगे। तो इस तरह से ये आपका हुआ 8 नंबर क्वेश्चन। जैसे अब 8 क्वेश्चन करें, अब क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन करेंगे, जैसे ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, पहला क्या था किलोग्राम को ग्राम में बदलना, अब ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, चूंकि अपने को पता है 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, कितना होता है 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम, तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 1500 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो पहले क्या होता है किलोग्राम के ग्राम बनाते हैं तो 1000 की गुणा करते हैं, और ग्राम के यदि किलोग्राम में बदलना हो तो इसका होता है 1000 का भाग, 1000 का भाग देना। जैसे 1500 ग्राम बराबर, तो 1500 ग्राम के किलोग्राम बनाने हैं तो 1000 का भाग दिया है अपन ने, यानी 1500 बटा 1000
बट्टा में लिखो इसका मतलब है भाग देना। 1500 बटा 1000 तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब पीछे रह गया 15 बटा 10 तो दोनों ही किसके टेबल में आते हैं, 5 में, तो 5 में 15 आते हैं, 3 बार 5 = 15, 5 × 2 = 10, 3/2 तो 3/2 दो का भाग दिया तो 1 = 1/2 किलोग्राम यानी 1.5 किलो और ऊपर 0.5 किलो, इसका भाग दिया 3 में 2 का तो 1 = 1/2 किलोग्राम उत्तर आया, तो 1 = 1/2 तो 3 में भाग दियो देखे 2 का 2 = 1, ये आ गया ना 1 = 1/2, तो इस तरह से अपना भाग देंगे तो 1.5 किलो आंसर आया। क्या आया इसका, 1 = 1/2 किलोग्राम, यानी 1500 ग्राम में 1 = 1/2 किलोग्राम। वैसे ही दूसरा देखो, 2250 ग्राम के कितने किलोग्राम बनेंगे, चूंकि 1000 ग्राम = 1 किलोग्राम, 2250 ग्राम = इसमें बटा 1000 करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, पीछे 225/100 रह गया, 2 जीरो के पीछे 2 नंबर छोड़ दिए पॉइंट, अगर 2 किलो और 25 ग्राम कितने हुए, 2 किलो और 25 ग्राम, 2 किलो 25 ग्राम हो गए। अब इसको भाग दिया, 25 का यानी क्या होता है, 100 का कितना होता है 25, 1/4 चौथाई होता है ना, 100 का कितना भाग होता है, चौथा भाग होता है ना 25, 25 चौका 100 होता है, तो 1/4 यानी 2 = 1/4 यानी 2 किलो, यानी 2 = 1/4 किलोग्राम इसका उत्तर आया। अब तीसरा है, 100 ग्राम = खाली स्थान किलोग्राम, 100 ग्राम के कितने किलोग्राम होएंगे, तो वही तरीका है, चूंकि 1000 ग्राम = 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम के कितने किलोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो बराबर 100 ग्राम = 100/1000 होएगा, ग्राम के क्या बनाने हैं किलोग्राम, तो 100/1000 तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, पीछे क्या बचा 1/10 तो 1/10 किलोग्राम इसका उत्तर हो गया। क्या हो गया ये, तो यहां लिखेंगे 1/10। अब चौथा है, 4750 ग्राम = किलोग्राम, इसके ग्राम के किलोग्राम बनाने, वही तरीका है, चूंकि 1000 ग्राम = 1 किलोग्राम, 4750 ग्राम = इसके किलोग्राम बनाने, तो अपना भाग देंगे यानी 1/1000 तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, पीछे रहा 475/100 यानी 2 जीरो के पॉइंट लगा दिया, 4 किलो और 75 ग्राम, 4 किलोग्राम और 3/4 ग्राम, 75 कितना भाग होता है, ये 4 किलो और 75 ग्राम, या तो अलग अलग देखो, 4 किलो और 75 ग्राम है 4.75 यानी 4 किलोग्राम और 3/4, 75 100 का कितना भाग होता है, 3/4, 100 का कितना भाग होता है 75, 3/4 तो 4 किलो 3/4 ग्राम यानी 4 = 3/4 ग्राम उत्तर हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 = 3/4, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब आपके क्वेश्चन नंबर 10, अब 10वां क्वेश्चन क्या है, सत्य और असत्य, सत्य और असत्य, जो बुक में आपके सेंटेंस दिए हुए वो आप उतारोगे फिर उसको बताओगे, यहाँ पे खाली मैंने आंसर लिखे हैं आपके, पहले का दूसरे का तीसरा चौथा, ठीक है, तो पहला क्या है, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 100वां भाग होता है, यानी 1 किलोग्राम है वो किलोग्राम का 100वां भाग होता है, 1 किलो में कितने होते हैं, 100 होते हैं क्या 100 ग्राम होते हैं क्या, नहीं, कितने होते हैं 1000 ग्राम, तो 100वां भाग यानी ये असत्य है, यहाँ पे 1000वां भाग होता तो वो सत्य होता, तो पहला 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 100वां भाग होता है असत्य, क्या होगा पहले का आंसर, असत्य, सेंटेंस लिखोगे और उसके आगे असत्य। दूसरा है, किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 का गुणा करते हैं, जो आपने किया था ना 8 नंबर क्वेश्चन में, किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए 1000 का क्या किया था, गुणा किया था, तो ये दूसरा क्या होगा सत्य, दूसरा क्या होगा सत्य। अब तीसरा सेंटेंस पढ़ो, 1 किलोग्राम नमक से 250 ग्राम भार के 4 पैकेट बनाए जा सकते हैं,
ये क्वेश्चन आपके आया भी था ना अपन ने, 250 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे 6 किलो में। तो इसी तरह से ये कह रहा है 1 किलोग्राम नमक से 250 ग्राम भार के 4 पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 250, 500, 500, 500, 500, 500 कितना हो गया 1000 हो गया। तो 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, तो नमक के कितने पैकेट बनेंगे 250 के 4 पैकेट। तो सत्य, तीसरा क्या होगा अपना सत्य। अब चौथा है, समान आकार के लकड़ी तथा लोहे के बाटों का भार समान होता है। समान आकार समान है, दोनों का आकार समान, एक लकड़ी का और एक लोहे का है, तो दोनों के बाटों का क्या होगा भार समान होगा क्या? नहीं होगा। लोहा भारी होता है, लकड़ी हल्की होती है। तो चौथा क्या होगा? असत्य। तो पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य। तो आप ये सेंटेंस लिखोगे पहला, फिर उसके आगे आंसर सत्य असत्य लिखोगे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरा हो गया। तो 10 नंबर क्वेश्चन पूरा होते ही आपकी प्रश्नावली 12 आपकी कंप्लीट हो गई। इस तरह से अपन ने आज 12वीं प्रश्नावली का पार्ट 2 करा, जिसमें 8 नंबर क्वेश्चन से लेके 10, 8, 9, 10 ये आप कॉपी में करोगे और आपकी प्रश्नावली 12 कंप्लीट हुई। तो आप सुंदर सुंदर राइटिंग में समझ समझ के आप क्वेश्चन उतारोगे, फिर उसका हल करोगे, जैसे मैंने यहां समझाया है वो करोगे। और ये 10वें क्वेश्चन का भी सत्य असत्य का सेंटेंस उतारोगे, उसके बाद में उसका आंसर आगे लिखो, सफाई से करोगे, समझ के करोगे। इस तरह से आपने प्रश्नावली आज हो गई 12 कंप्लीट। थैंक्स।